हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन की एक और वीडियो में। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम से जब मैं गेम प्ले कर रहा हूँ उसमें मुझे मेरे कूल डाउन की कमी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और जहाँ तक मतलब ऐसी मुझे किसी ने गाइडेंस दी, मैं भूल ही गया था कि जो ये है हमारे थानोस का सेट, अगर इसके पास अपने पास इस थानोस के 4 सेट हों तो अपन को 4% का कूल डाउन मिल सकता है। सॉरी, 4% का तो अटैक मिल रहा है, कूल डाउन डिक्रीज 6% का मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये 6 यहाँ का और 6 यहाँ के 2 बार 6% मिल जाएंगे, यानी कि 12% का कूल डाउन मिलना चाहिए। अगर मैं अभी देखूँ तो अभी मेरे पास जो कूल डाउन डिक्रीज है वो है, कहाँ गया कूल डाउन डिक्रीज, ये रहा 22%। तो यानी कि ये जाना चाहिए 28%। तो वही मैं करने की सोच रहा हूँ कि मैं 4 का सेट बनाना चाहता हूँ, और 4 का सेट बनाने के लिए मुझे कुछ एक हटाना पड़ेगा। तो मैं सो इसको हटाऊँ या इसको हटाऊँ, तो इसके अंदर मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा क्रिटिकल डैमेज जो मुझे ज़्यादा खास लग रहा है, तो मैं इसको ना हटा के इसको हटाने वाला हूँ, जिसके अंदर मुझे स्किल इंक्रीज स्किल डैमेज मिलेगा। और हर कोई जानता है कि हमारे डेक्टर स्ट्रेंथ के लिए डॉज रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि डिफेंस है, तो हम डिफेंस का यूज़ करेंगे। और ये डॉज रेट वाला जो स्पेशल बैज है ये हम किसी दिन स्पाइडरमैन को दे देंगे जिसको उसकी ज़रूरत है। तो अभी हम थर्ड सेट बनाने वाले हैं थानोस का, ठीक है। और कहेंगे तो थर्ड स्पेशल बैच, जिसके लिए कूल डाउन डिक्रीज के लिए। प्रॉब्लम ये है कि थानोस की जो सील है वो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं पिकी नहीं हो सकता हूँ स्टैट्स के बारे में। जो स्टैट्स आएंगे उन्हीं पे ही जीना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्पेशल बैच की क्राफ्टिंग। कहाँ गए थानोस के, ये रहे थर्ड वाला सेट, ये रहा। कुछ 53 एलॉयज हो गए, लास्ट टाइम आपने देखे थे तो 42 थे, तो शायद कुछ बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पिकी तो मैं नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ, पर स्टिल मैन थोड़े बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, कम से कम 2 डिफेंस तो मिले यार, ठीक है। कितने मिल गए अब तक, 1 डिफेंस। अरे ये तो नॉर्मल डिफेंस है, इतना तो मिलता ही। ओए, मैं फर्स्ट का फर्स्ट ही सेट बनाया जा रहा हूँ क्या? देखो बताओ, 2 फर्स्ट सेट बना दिए, क्या पागल इंसान हूँ मैं, फालतू का अलॉयस ख़राब कर रहा हूँ। बताओ ये ठीक है, थर्ड सेट ठीक है, ओके। अब फोर्थ सेट से पहले मैं अब देखूंगा कि ये कितना बन गया है, क्या क्या मिल गया है। गार्ड डैमेज डिक्रीज मिला है, तो बुरा है। चलो एक और बनाते हैं, 5 स्टार। अरे 5 स्टार सेलेक्ट करने से पहले 4 स्टार देख के क्या मिल गया, क्रिटिकल डैमेज डिक्रीज और गार्ड डैमेज डिक्रीज। अभी भी डिफेंस नहीं मिला है। आई थिंक कि मुझे सेकंड वाला सेट की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये ज़्यादा अच्छा जा नहीं रहा है, किस्मत अच्छा चल नहीं रही है इसके अंदर। दूसरा ठीक है सेलेक्ट करो, तीसरा ठीक है, चौथे के लिए सेलेक्ट करने से पहले देखो इसमें क्या क्या मिला है। गार्ड डैमेज डिक्रीज ही मिला है इसको भी। अरे डिफेंस मिल जा, ठीक है सेलेक्ट। हमारे पास 2 4 सेट हो गए, जिसमें एक में है गार्ड डैमेज डिक्रीज और क्रिटिकल डैमेज डिक्रीज, और एक में है 2 गार्ड डैमेज डिक्रीज। गार्ड डैमेज डिक्रीज और क्रिटिकल डैमेज डिक्रीज को 1 स्टार और दूँ दे, और ये मिला हमें 5 स्टार, ठीक है। और 5 स्टार में इसके पास अब क्या आया, 2 गार्ड डैमेज डिक्रीज। बात तो वही होगी ना यार, डिफेंस क्यों नहीं मिल रहा यार, तू डिफेंस दे दे प्लीज 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 प्लीज। डिफेंस आया, प्लीज डिफेंस आया, डिफेंस आया, डिफेंस आया, नॉट बैड। 2 गार्ड डैमेज डिक्रीज का डिफेंस आया, मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा है। What the hell, तुमने एक और बनाती? हाँ मैं एक और बनाऊंगा, ये मैं अपने आप से ही बातें करता हूँ, सो सॉरी, पर गुस्सा आ रही है मुझे कि मेरे को डिफेंस नहीं मिल रहा। अब देखते हैं इसके पास क्या आया, और इसके पास है डिफेंस और डॉज रेट, डिफेंस और डॉज रेट ऑफकोर्स यही मिलेगा, अब तो यही बनेगा, यही 6 स्टार भी बन गया है। और अब मैं देखूंगा इसको क्या क्या मिल चुका है, डिफेंस डॉज रेट, क्रिटिकल डैमेज डिक्रीज, गार्ड डैमेज डिक्रीज, ठीक है। एक डिफेंस वाले को और करूँगा मैं, 6 स्टार ना, हाँ नहीं इस पर नहीं, 6 स्टार बनाने के लिए ये रहा, जिसमें डिफेंस मिला वो कौन सा, यही है। देखते इसको एक और डिफेंस मिलेगा तो ये बनेगा, वरना उस पर काम होगा, ठीक है। +1 की ओर जाएंगे, इसको मिले हैं डिफेंस और डॉज रेट, और इसको मिले हैं डिफेंस और डॉज रेट +2 गार्ड डैमेज डिक्रीज, उसमें क्रिटिकल डैमेज डिक्रीज भी है। ज़्यादा खास क्या है, क्रिटिकल डैमेज डिक्रीज तो यही होगा, ठीक है। और ये हमने +1 भी कर लिया, और इसको कूल डाउन डिक्रीज मिला, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ ग्रेट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। +2 करेंगे इसी को ही, यही है ना अपना, सही चल रहा हूँ ना।
हाँ डिफरेंस साथ ये चलने दो, मैं ज़्यादा पिकी नहीं हो सकता है स्टेट्स के बारे में, जितने मिल गए ना उतने ही काफ़ी हैं, देख रहे हो तुम यहाँ पे। ओके 160 तो यहीं पे यूज़ हो जाएंगे, टोटल 1000 से ज़्यादा यूज़ कर लिए मैंने, मैं +4 +5 भी नहीं कर पाऊँगा। सी सील्स ख़त्म। अब सील बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जहाँ तक तो मुझे लगता है यहाँ से सील बनती है ना, थानोस की सील ये रही। मैं कुछ 1900 सील सेलेक्ट करके बना सकता हूँ, 38 ही बनेगी इससे तो, है ना, ये तो बहुत कम है। सही में नहीं, 1900 सील बनी इससे तो मुझे यहाँ 38 क्यों दिखा रहा था पता नहीं, पर मैंने ज़्यादा ही सील बना ली, अब तो इतनी तो चाहिए भी नहीं थी। अब कभी और यूज़ करनी होगी तो क्या करूँगा तो पता नहीं क्या करूँगा, पर अभी तो जो बननी थी वो बन गई। कहाँ गया अगला, अरे यार कौन से उस पर आ गया हूँ मैं, 4 पे आ गया हूँ, थर्ड, थर्ड का +2 हो चुका है, +3 हो चुका है, +4 यप गो फॉर इट, एंड +5 गो फॉर इट। ठीक है तो क्या सेट बना पूरा, जो भी बना है अपना कॉम्बैट पावर बढ़ा रहा है बस इतना पता है, और कॉम्बैट पावर भी देख रहे हो बिना, अभी तो उसके बढ़ा रहा है कहते हैं ना वो उसकी क्या कहते हैं, बिना कोर्स के। हमें मिला है कूल डाउन डिक्रीज, डिफेंस डॉज रेट, और हमारा सेट भी कंप्लीट हो गया, 8% बन गया, 8% हो गया, 8%। तो अब 8% हुआ है, 6% इंक्रीज़ हुआ है पता नहीं, अगर हमने इसको ले तो लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा स्टैट्स में कूल डाउन डिक्रीज़ कितना हुआ, 28% है, 6% टोटल बढ़ा है, 6% टोटल बढ़ा है, 8% क्यों दिखा रहा है तो मुझे नहीं पता, 6% बढ़ गया मुझे बस इतना पता है। रही बात इसकी कोर्स की, तो कोर्स में इसको हमें दो दिख रहे हैं, रेड एंड येलो, तो क्यों ना मैं येलो वाले को चेंज करने की कोशिश करूँ क्या, मतलब पता नहीं, ट्रांसम्यूट करके देखें कितने में, बस ज़्यादा ट्रांसम्यूट करने को है नहीं, ठीक है ना। तो पहले ये देख तेरे पास क्या क्या है, अगर 5 स्टार्स हैं दोनों तो छोड़ इस चीज़ को, ठीक है। देखो एक तो 5 स्टार है जिसमें हम HP रिकवरी रख सकते हैं, दोनों में HP HP, तो ये रख लो। रेड अपने पास नहीं है यार, 5 स्टार है, रेड 5 स्टार होने चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं, अभी यही है तो यही सही। तो ये हम इस पे गए, इस पे गए, मैनेज कोर्स एंड दिस वन इज इक्विप्ड, और हमें कहीं से मिलता है रेड, रेड वाला 5 स्टार, तो हम उसको ले आएंगे। तो हमारी कॉम्बैट पावर फिर से बढ़ गई है, कुछ 32,000 से 55,000 हो गई है, अब हमने भी 4 का सेट बना लिया है, जिससे हमारा कूल डाउन डिक्रीज भी बढ़ गया है, तो आई एम प्रेटी श्योर इससे डैमेज पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और कूल डाउन भी अच्छा खासा हो जाएगा। अपन इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है ना, इसकी टेस्टिंग भी करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।